नमस्ते फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास उनके लिए है जिन्होंने कभी भी लाइफ में मेकअप नहीं किया है और करने की इच्छा रखते हैं, जानना चाहते हैं कि मेकअप में कौन सा प्रोडक्ट कब यूज किया जाता है। तो मैंने सोचा चलिए आपके लिए बड़ा ही जो सिंपल सा मेकअप होता है ना, एकदम नेचुरल वाला, वो करके दिखाती हूँ। लेकिन खास बात इस मेकअप की ये है कि ये आपको फुल कवरेज देगा, तो स्टेप बाय स्टेप एकदम मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है और मेकअप कैसे करना है। नमस्ते वंस अगेन, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और मेरे चैनल पे आपको जो कुछ भी मिलेगा वो मिलेगा एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि अगर मैं कोई पेड कोलैबोरेशन करती हूँ तो उन्हीं प्रोडक्ट्स का करती हूँ जिन्हें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ या करती आ रही हूँ। तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी फ्रेंड्स और एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि किसी भी टाइम मेकअप करें हमें अच्छे से अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करना है। तो मैं अयुगा की कुमकुमाली कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है, मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो है आज यूज कर रही हूँ, अमेजोन से मंगवाए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि गुलाब है, मैं एक्चुअली अमेजोन से ही ज्यादा प्रोडक्ट्स मंगवाती हूँ क्योंकि जेन्युइन होते हैं, रियल मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसलिए। एंड जो भी डील्स डिस्काउंट्स होंगे वो भी सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। स्टेप नंबर टू, हमें अच्छे से टोनर से अपने फेस को टोन करना है। सो आई एम यूजिंग लव अर्थ ग्रीन टी टोनर। स्टेप थ्री, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर सेटाफिल। एंड उसके ऊपर से स्टेप फोर में सनस्क्रीन लगानी है, लेकिन मुझे उतनी ड्राइनेस नहीं हो रही है इसलिए मैं डायरेक्टली सनस्क्रीन लगाऊंगी। आई एम यूजिंग अयुगा, ऑल लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके बाद जो है स्टेप आता है, हम लगाएंगे प्राइमर अपने फेस के ऊपर। और मैं आज जो है शुगर के प्रोडक्ट्स मोस्टली यूज करने जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको फुल कवरेज मेकअप बहुत कम प्रोडक्ट्स में दिखाने जा रही हूँ। अच्छे से पहले हैंड्स में इसको वार्म कर लेंगे, देन वी लगाएंगे। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन स्टिक्स जो शुगर की है, जो कि बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट हमें फुल कवरेज दे देता है, तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स हमें यूज नहीं करने पड़ते हैं। एंड इसका जो है 20 नंबर में यूज करती हूँ। अप्लाई अंडर आईज, ऐसे नोज पे। एक्चुअली ये जो अक्सर दिखाते हैं ना, जरूरी नहीं है इस तरह से इस्तेमाल कीजिए इसे, अपने हिसाब से जैसे भी लगाना है, बस पूरे फेस पे लग जाए ये देखना है। नेक समेत इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी है दूसरी साइड पे, दैट इज दिस ब्रश, जिससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। लेकिन आई एम सो यूज टू यूजिंग माई फिंगर्स, यू ऑल नो मैं हमेशा अपनी फिंगर्स से ही ब्लेंड करती हूँ, बिकॉज कॉर्नर्स एकदम फ्लॉलेसली ब्लेंड हो जाते हैं। As you can see, एक प्रोडक्ट से पूरी जो है अच्छी से ब्लेंडिंग हो गई है, कवरेज फुल मिल गई है। एंड मेरे जो फ्रेकल्स मार्क्स थे वो भी अच्छे से छुप गए हैं, बहुत ज़्यादा थिक मैं नहीं कर रही हूँ, चाहो आप तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ना लगा सकते हो। और सो आई एम गोइंग टू यूज दिस शुगर ऑल सेट टू गो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, जो कि ऐसे वाइट रंग का होता है। एंड ये फैन ब्रश, तो फ्रेंड्स जब मैंने पहली बार जो है फैन ब्रश यूज किया तो बहुत से क्वेश्चन आए कि ये पाउडर ब्रश नहीं है, बट एक्चुअली मैंने एक मेकअप का कोर्स किया था, सो उसमें हमें बताया गया कि ये ही एक्चुअली पाउडर ब्रश होता है, जिससे छोटा वाला होता है वो होता है शिमर ब्रश, क्योंकि इससे पाउडर लग भी जाता है और बहुत ज़्यादा थिक सा नहीं लगता है, मतलब बहुत पाउडरी नहीं होता है, हल्का सा ऐसे मूवमेंट्स में हम टच करेंगे तो इफेक्ट भी मिलता है लेकिन नेचुरल रहता है एकदम। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस स्विस ब्यूटी पैलेट, बाकी का जो पूरा आई मेकअप है, आईब्रोज वगैरह, मैं इसी से करने जा रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, इसका कोई सिमिलर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे शेड्स हैं जो नेचुरल रहते हैं और बिगिनर्स बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, आप जब एडवांस होंगे तो भी इसे आराम से यूज कर लेंगे। सो डार्क ब्राउन शेड इफ यू ऑल कैन सी,
ये बहुत डार्क भी नहीं है, एक्चुअली मीडियम ब्राउन है, मेरे आईब्रोज के साथ ज़्यादा है। तो अलग से आईब्रो किट या पेंसिल यूज़ करने की जगह ही एंगुलर ब्रश के साथ मैं अपने आईब्रोज इसी से फिल कर लूँगी। ओके, सो द सेम शेप जिससे मैंने अपने आईब्रोज किए थे मैं वही उसी ब्रश पे ले रही हूँ और आंखों के नीचे ऐसे लगा दूंगी। और ये जगह थोड़ी सी एक्सटेंड कर दूंगी ऐसे, जस्ट ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे मैंने नीचे लगाया एंड इसे यहीं एक्सटेंड कर दिया ऐसे थोड़ा सा, ये एक लाइन जैसी देख सकते हैं आगे। एंड फ्रेंड्स, अब मैं अपनी ये जो हमारी फिंगर होती है ना, इस फिंगर से हम इसे, ये डेलिकेट फिंगर होती है थोड़ी, इसलिए सारा फिंगर से ऐसे थोड़ा सा मर्ज कर देंगे बस। अब मैंने ऐसा ये ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है, सेम ब्राउन कलर अगेन आई एम टेकिंग, थोड़ा सा मैंने टिप पे लिया है एंड हल्का सा टिप पे लेके जो हमने ब्लेंड किया था ना, ये जो हमारा ब्रो बोन एरिया है, आई थिंक यू ऑल कैन मेक आउट, ये जो ब्रो बोन एरिया है इस पर हम हाफ ऐसे करके सॉकेट जैसा बना देंगे और उसको थोड़ा मर्ज कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सॉकेट बना लिया है मैंने, इसे थोड़ा ब्लेंड भी कर दिया उसी ब्रश से, अनटाइडी लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से जो भी आपको शाइनी वाला आई शैडो पसंद हो, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, इस तरीके के ग्रे हैं, लेकिन ग्रे ब्राउन के साथ नहीं जाता है, उसके लिए आपको ब्लैक सॉकेट बनाना पड़ेगा सेम तरीके का। तो मुझे जो है वो कॉपर और गोल्ड दोनों पसंद है, बट इस टाइम मैं गोल्ड ले रही हूँ, मैं फिंगर से ही ज़्यादा लगाती हूँ और मैंने जो है वो फिंगर पे इस तरह से लिया अच्छे से और हमारा जो आईलिड है सेंटर का पूरा उस पर हम ऐसे रख देंगे। एंड एक और चीज़ बताऊँ आपको फ्रेंड्स कि अगर आप ये सॉकेट नहीं बनाना चाहते, मतलब आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मैं ये ट्राई करूँगी कहीं ख़राब ना हो जाए, अगर इस तरीके की फीलिंग है तो आप सिर्फ कोई भी ऐसा शाइनी आई शैडो लीजिए या कोई कलरफुल आई शैडो लीजिए, जिस मोमेंट में मैं लगा रही हूँ ना आईलिड के ऊपर, उस तरह से लगाइए, सेंटर से शुरू करते हुए हम ऐसे पूरा उसे स्प्रेड करेंगे और जो हमारा ब्राउन सॉकेट है उसके ऊपर तक लेके आएंगे थोड़ा। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ब्लेंडिंग बाकी है और मैं इस तरीके का एक ब्रश ले रही हूँ। मैं एक सिंपल से ब्रश किट का लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मंगा सकते हैं, जो यूज़ कर रही हूँ इनफैक्ट उसका ही दे दूंगी। सेम कलर मैंने लिया क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंटेड है एंड यहाँ पे जो इनर कॉर्नर्स है ना यहाँ पे थोड़ा लगा दिया और हल्का से ऐसे नीचे की तरफ भी, हल्का से कॉर्नर्स में एंड नीचे की तरफ। अब मैंने ये एप्लीकेटर लिया जो कि इस आईशैडो पैलेट के साथ ही आया है और इसमें जो सिल्वर वाइट कलर है उसमें ये हल्का सा ऐसे लगाया एंड जो हमारा ब्रो बोन एरिया होता है, ये जगह जो आर्च होता है ना हमारे आईब्रोज का, वहाँ पे बस लगा देंगे, पूरी इसे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ आर्च में थोड़ा सा। अब मैंने एक बिल्कुल एम्प्टी ब्रश ले लिया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा, इस तरीके का सिंपल सा ब्रश है ये राउंडेड एंड अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, पूरा जो हमने लगाया ना ये जो सिल्वर ऊपर लगाया उसे छोड़ के हल्के हाथ से पूरे मैं ऐसे घुमा दूंगी, जस्ट टू सब ब्लेंड करने के लिए ऐसे हल्का सा, ताकि सब साथ में ब्लेंड हो जाए, बस सिल्वर के ऊपर नहीं करेंगे हम, सेम विद द अदर आई। तो या तो अब आप ब्यूटी ब्लेंडर ले लीजिए, नहीं तो ये जैसे हमारे पाउडर्स में निकलता है छोटा सा ये ले लीजिए एंड एजेस को थोड़ा सा हम ऐसे बहुत लाइट हैंड से क्लीन करेंगे ताकि हमारा फाउंडेशन नहीं निकले, जस्ट लाइक दिस। इधर भी तो ये शुगर पॉप पेन लाइनर है जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ स्पेशली बिगनर्स को, फुल मेकअप नहीं भी कर रहे तो भी आप ये यूज़ कीजिए, दिस इज सो इजी एंड अमेजिंग कि अब मैं भी इसे ही ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ना यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना लेंगे, ये आप ध्यान से देखिएगा इस तरह से, और हम आईज जब भी करते हैं तो कोशिश करते हैं दोनों आईज को हम साइमल्टेनियसली करें ताकि हमारी लेंथ वगैरह सब कोशिश करके बराबर हो। अब ये यहाँ हमने लाइन बना ली, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे
प्रैक्टिस लगेगी फ्रेंड्स इसमें, थोड़ी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब इसे हम पूरा आराम आराम से इस पेन लाइनर से फिल कर देंगे। एंड नाउ काजल, तो मैं लैक्मे इंस्टा कूल यूज़ कर रही हूँ, मुझे मामाअर्थ के काजल भी बहुत पसंद आते हैं। तो पहले जो है हम नीचे लगाएंगे अंदर की तरफ एंड फिर ऊपर की तरफ, ऐसे ये ज़रूरी है लगाना। अब इसे थोड़ा सा थिक करेंगे नीचे वाले को, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो बहुत पेशेंटली हल्का सा थिक कर देंगे इसे। सेम ब्राउन आई शैडो जो मैंने अपने आईब्रोज पे लगाया, जो पहले हम नीचे लगा चुके हैं, उसी को हल्का हल्का ऐसे लगा देंगे जस्ट फॉर द फिनिशिंग टच। और हमारा काजल बहेगा भी नहीं ज़्यादा, उससे थोड़ा स्टिक हो जाएगा, रह जाएगा नहीं। ओके, सो दिस इज द कॉम्पैक्ट, मेबेलिन का है, कोई भी कॉम्पैक्ट अच्छा यूज कर सकते हैं। आई लाइक दिस वन, फिट मी। सो दिस इज एन एंगुलर ब्रश, ब्रश किट का अगेन एज आई सेड लिंक दे दूंगी। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे लिया इस पर एंड बस ये नीचे लगा देंगे ताकि हमारा सब स्मूद हो जाए और काजल फैले नहीं। टेक इट टिल द एंड। This is Lakme Iconic Mascara. Another favorite of mine is Maybelline, जो कि येलो कलर का आता है कोलोसल, बहुत टाइम से, इट्स लाइक रियली गुड। नीचे के लैशेस में ऐसे पॉइंट से लगाएंगे, हल्का हल्का टच करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको यूजफुल लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए एंड मेरे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि मैं हर कोई कोलैबोरेशन वगैरह नहीं एक्सेप्ट करती हूँ, जबकि काफ़ी पैसे ऑफर किए जाते हैं फिर भी नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं प्रोडक्ट्स की करती हूँ जिन्हें मैं एक्चुअली इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए जो है आप लोग हेल्प कीजिए मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में एंड वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाने में। फ्रेंड्स, क्योंकि बिगनर्स मेकअप है इसलिए मैं कॉन्टूरिंग वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ, ये भी इतना भी कर लेंगे ना, दिस इज़ क्वाइट अ बिट, बहुत अच्छा फ्लॉलेस लुक मिल जाएगा। ओके, नाउ ब्लश ऑन। तो फिटमी का ये जो है, ये वाला मोस्टली सारे इंडियन कॉम्प्लेक्शंस पे चला जाता है। सो जस्ट एक फाउंडेशन ब्रश लेना है एंड हमें अप्लाई करना है, यहाँ से शुरू करके हम चीक्स तक बिल्ड करेंगे। स्विस ब्यूटी का जो 3-in-1 पैलेट है, हाईलाइट एंड ब्रॉन्जर पैलेट, ये दिखाती हूँ। ये भी बहुत ही मल्टी यूज आ जाता है, काफ़ी अच्छा। इनफैक्ट ये सब शाइन आप आई शैडो की तरह भी यूज कर सकते हैं जो ब्रॉन्जर्स हैं। सो आई एम अप्लाइंग लिटिल बिट ऑफ गोल्ड, तो सेम ब्लश ऑन ब्रश से ही मैं लगाती हूँ, सो दैट मेरे ब्लश ऑन के ही शेड में मिक्स हो जाए, बहुत अलग से ना दिखे। तो ये हल्का हल्का सा जो है ऐसे चीक्स पे, एंड तो ये ऐसे किया हमने और यहाँ हल्का हल्का यहाँ पे, तो ये एक मूवमेंट जो है वो होता है हमेशा शिमर्स में। सो वन टिप, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस ऑन योर नेक एरिया। अगर आप डीप नेक पहन रहे हैं तो अपने पूरे नेक एरिया में, बैक में, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा जरूर लगाइए। गाइज, एक्चुअली क्योंकि मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा जो है सनलाइट कभी फेस पे आ रही है जा रही है। ओके, सो ग्रैंड फिनाले नाउ एंड शुगर का ये जो है ग्रैंड फिनाले ड्यूई सेटिंग मिस्ट, मुझे काफ़ी पसंद है, ये लगाना मत भूलिएगा एंड में। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। नायका आउटलाइन पेंसिल, और जब कभी भी स्पेशल ओकेजन के लिए रेडी होना होता है तो आई ऑलवेज प्रेफर अ लिपस्टिक पेंसिल। दिस इज मामा अर्थ रास्पबेरी स्कारलेट। दिस टिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक के लिए, अगर आप चाहते हैं एकदम परफेक्ट लिपस्टिक लगे तो ब्रश लेना है एंड हमें इसे आउटलाइन के ऊपर करके पूरा अच्छे से बैलेंस करना है। ओके गाइस, सो दिस इज द फुल लुक, और अगर आप इसे और नेचुरल रखना चाहते हैं तो लिपस्टिक रेड की जगह न्यूड लगा लीजिए। एंड आपने देखा ही होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है मेरे फेस पे मेकअप से पहले और बाद में। एंड ये मेकअप जो इतना सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, आप किसी भी ओकेजन पे कर सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं एंड विद ऑल द पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। सो फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू ऑल द प्रोडक्ट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कुछ डील्स डिस्काउंट चल रहा होगा अगर तो वो भी डाल दूंगी नीचे, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।